अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 की 18 क्वेश्चन तक मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें डिमॉर्गन्स लॉ का वेरीफाई किया जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ का ये क्वेश्चन आप बुक में गिवन है आपके क्वेश्चन, इफ़ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट 20 अप टू 20, यानी 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं इसमें। एंड ए इज इक्वल टू 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 एंड बी इज इक्वल 2, 6, 8, 10, 14, 18 वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। बुक में ये क्वेश्चन है तो मैंने डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला डिमॉर्गन्स लॉ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सेकंड वाला है, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में इंटरचेंज हुए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो वन बाय वन हम इनको वेरीफाई करते हैं। नंबर वन पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ में ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, पूरा 1 से लेकर 20 तक, और माइनस ए का सेट लिखेंगे। फिर इसमें जो कैंसिलेशन होगी वो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रह गया, 4 कैंसिल हो गया, 5 रह गया, 6 बच गया, क्योंकि ए वाले सेट में जो जो नंबर नहीं है वो यूनियन यूनिवर्सल सेट में से बचते चले जाएंगे। तो देखें ए में 1 है वो कैंसिल आउट, 2 है वो कैंसिल आउट, 4 है वो कैंसिल आउट हो गया, 8 कैंसिल आउट हुआ, 10, 16, 20 और बाकी सारे नंबर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। बिल्कुल इसी तरह यू माइनस बी बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे तो बी में है 2, 6, 8, 10, 14, 18 ये सारे कैंसिल हो गए और बाकी सारे जो नंबर 1 से लेकर 20 तक है वो आ गए बी कॉम्प्लीमेंट में। इन दोनों का निकालना है यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकलेगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी है और इसके साथ ही बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी है, ये सारी की सारी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। और ये सारी बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, यहाँ से ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को यूनियन कराएंगे। यूनियन का मतलब सबको कंबाइन करके एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये पहले डिमॉर्गन्स लॉ का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पर है ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, इन दोनों का कॉमन कॉमन क्या है वो नंबर आ जाएंगे। देखें आपके पास जो कॉमन है वह 2 है 2, 6, 2, 8, 10 ये दोनों इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट यानी यू यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस इंटरसेक्शन बी आ गया तो 2, 8, 10 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। तो देखें जरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आंसर आपस में इक्वल हैं, ये और ये दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हैंड प्रूव्ड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो स्टेप्स ऑलमोस्ट वही हैं सारे के सारे जो पार्ट वन में हुए थे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे। अब इन दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है ये बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, इनमें कॉमन निकलेंगे वो ये हैं कॉमन 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19। राइट साइड पर क्या है ए यूनियन बी, ए और बी को करना है यूनियन, इन दोनों का किया कंबाइन तो 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 आ गया। अब इसका निकालें कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से इसे करेंगे माइनस, जब यूनिवर्सल में से इसे करेंगे माइनस तो 1 कट आउट, 2 कट आउट, 4 कट आउट, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 सारे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह गया 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19। तो ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं, इट मीन्स दैट ये डिमॉर्गन्स लॉ का सेकेंड लॉ भी प्रूव हो गया। क्लियर बेटा? तो आज की ये छोटी सी वीडियो क्लिप में मैंने सिर्फ डिमॉर्गन्स लॉ समझाया है, जो 1.2 का एक क्वेश्चन रह गया। और डिमॉर्गन्स लॉ के लिए ये देखें मैंने ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है डिमॉर्गन्स लॉ की, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। 1.2 में ये क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं तो ये आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं। 1.2 में मैंने ये भी सॉल्व नहीं करवाया तो ये भी ख़ुद से सॉल्व करना है आप लोगों ने, ठीक है। थैंक यू। 1.3 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसमें आपको 1.3 मिल जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।